Hey everyone, how you are doing today? Akshay here and welcome back to Tech Finders. तो चलिए करते हैं इस ColorFit Nave की अनबॉक्सिंग और जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे इसका प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट 4000 रुपये है। 4000 के अंदर आपको GPS नेवल स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी, ये काफ़ी अच्छी बात है। बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेक्स की, तो आपको GPS बेस्ड एक्टिविटी ट्रैकिंग देखने को मिलेगी, 6x एक्सेलेरोमीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लाउड बेस्ड वॉच फीचर्स हैं जिसको हम देखेंगे इस वीडियो में, और आता है सिर्फ 4 दिन की बैटरी लाइफ के साथ, 1.4 इंच का कलर टच स्क्रीन है, IP6 वाटर रेस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, काफ़ी अच्छी बात है। ब्लूटूथ वर्जन 4.2 है, तो यहाँ पे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.0 यहाँ पे इन्होंने यूज नहीं किया, और साथ ही साथ आई थिंक ये आता है 1 साल की वारंटी के साथ। करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या है कंटेंट इस बॉक्स में। वाह, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये लीफलेट, आई थिंक यहाँ पे आपको तो इसको रिमूव करने पे आपको यहाँ पे वॉच देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। चलिए रिमूव करते हैं इसको। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छी वॉच दिखती है, पील कर लेते हैं इस कवर को। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा कर्व्ड है, बेजल्स हैं यहाँ पे, पर वो कर्व्ड बेजल्स है, काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ पे। एज ऑफ राइट नाउ दिस वॉच लुक्स रियली ग्रेट, और प्लास्टिक बॉडी से बनी है, बिल्ड क्वालिटी है, थोड़ी सी यहाँ पे आई थिंक चीप लगती है, और यहाँ पे इवन जो स्क्रूज हैं वो भी एक्सपोज किए गए। इनसाइड द बॉक्स अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक, आई थिंक यप, ये मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक है, तो बड़ी आसानी से आप इसको पॉप कर सकते हैं और ये आसानी से पॉप हो जाएगा। और जो इसका मैकेनिज्म है चार्जिंग, वो काफ़ी सिमिलर है ColorFit 2 से, मैंने उसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रखी है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कार्ड में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक यूजर मैनुअल गाइड, तो डेफिनेटली आप इसको रीड कर सकते हैं। ऑन करने के लिए प्रेस एंड होल्ड रखना पड़ेगा आपको ये अपसाइड वाला बटन 2 या 3 सेकंड के लिए, और ये वाइब्रेट करेगा, और वाह काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा नॉइस। एंड यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये रिकमेंड करेगा कि आप ColorFit का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। एक QR कोड स्कैनर देखने को मिलेगा, उसको स्कैन कीजिए और ये ले जाएगा आपको। आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए, तो चलिए करते हैं इसको साइन अप। ओके सो नाउ हियर यू कैन सी टू ऑप्शंस, नॉइस फिट फ्यूजन और ColorFit नेव। ColorFit नेव पे ओके कर लीजिए, एंड आई थिंक नाउ यू कैन कनेक्ट विथ योर वॉच, एंड यू नीड टू स्कैन इट अगेन। आपको एक बार फिर से स्कैन करना पड़ेगा इस वॉच के QR कोड को, और बूम यहाँ पे आपको शो करेगा कि पेयरिंग हो गई है सक्सेस। एंड यहाँ पे भी आपको शो करने वाला है इस वॉच में भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आपको एक अपग्रेड देखने को मिलेगा, आई थिंक ये फर्स्ट अपग्रेड है, और डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये अपडेट प्रोसेस में है, तो थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं। अगर आप करते हैं इसको राइट स्वाइप, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी ट्रैकर देखने को मिलेगा, डिस्टेंस स्टेप्स एक्टिव मिनट्स कैलोरीज एंड ऑल डिस्टेंस स्टेप्स, एंड यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अलार्म सेट करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हैं, और जो अलार्म है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे वाइब्रेट होने वाला है, क्योंकि ये इसमें वाइब्रेशन मोटर है, तो काफ़ी पावरफुल वाइब्रेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको ब्रेथ का देखने को मिलेगा, आप इजिली यहाँ पे फोकस कर सकते हैं ब्रेथ पे, तो इसके बेसिस पे आप अपनी बॉडी से अगर आपको गुस्सा आता है तो उसको रिलीज कर सकते हैं। ओके नाउ मूविंग टू फोर्थ हार्ट रेट मेजर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट एक हार्ट रेट सेंसर देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आपका ये हार्ट रेट कैलकुलेट करेगा, जो कि हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं कितना ये एक्यूरेट होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप स्वाइप करते हैं एक और बार, तो यहाँ पे आपको फंक्शनैलिटीज़ कुछ देखने को मिलेंगी, जैसे कि म्यूज़िक फंक्शनैलिटी आप आसानी से इसमें देख सकते हैं और आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रिमाइंडर्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको स्लीप ट्रैकर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, तो बड़ी आसानी से यहाँ पे आप एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, GPS ट्रैकिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। GPS ट्रैकिंग इज़ ऑनली अवेलेबल व्हेन यू स्टार्ट अ वर्कआउट ऑन द वॉच, तो जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तभी जो ट्रैकिंग है वो वर्क करेगा, वरना उसके अलावा यहाँ पे GPS ट्रैकिंग वर्क नहीं करने वाला है। ब्राइटनेस की बात करें तो आसानी से आप 3 स्टेप्स में ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। डिवाइस इन्फो की बात करें यहाँ पे, तो आपको ये बता देगा आपका मॉडल नंबर एंड ऑल,
वाइब्रेशंस की बात करें तो वाइब्रेशन इंटेंसिटी भी 3 स्टॉप्स में आती है, आप आसानी से इसको रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। ओके लेट मी ट्राई टू इंक्रीज इट, ओके 100% है। इसके अलावा वेकअप कॉल भी है, तो यहाँ पे आप इसको आसानी से लिफ्ट टू वेकअप जेस्चर को इनेबल कर सकते हैं, जस्ट यू नीड टू टर्न इट ऑन। और स्क्रीन टाइम आउट भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये 5 सेकंड है, आप चाहते हैं तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और डेडिकेटेड नाइट मोड भी देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें आपका ये जो रिस्ट टू वेकअप है वो डेफिनेटली यहाँ पे काम नहीं करेगा, आई थिंक सो। वॉच फेसेस दे रखे हैं यहाँ पे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे वॉच में, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इनको चूज कर सकते हैं। आसानी से आप सेट कर सकते हैं, लैप को अगेन चेंज कर सकते हैं, एंड आई थिंक प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, लेकिन दैट ऑल्सो यू नीड टू डू ऑन द स्क्रीन, आप बटन से यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। बैक जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस डाउन बटन को, तो ये जाएगा बैक। टाइमर भी देखने को मिलेगा, आप टाइमर भी डेडिकेटेड सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे इवन आपको वेदर का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, तो डेडिकेटेड वेदर ऐप भी है। वर्कआउट्स भी डिफरेंट वर्कआउट देखने को मिलेंगे, वॉकिंग रनिंग आउटडोर साइकिलिंग इनडोर साइकिलिंग इनडोर रनिंग योगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बैडमिंटन डांस वॉकिंग, काफ़ी ढेर सारे हैं वर्कआउट। और इसके अलावा आप आ जाएंगे मेन स्क्रीन पे, तो इतना ही फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं इस वॉच की हेल्प से। अब बात करते हैं, जैसे ही आप स्वाइप अप करेंगे तो डिफरेंट शॉर्टकट्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ये सेटिंग्स का, और यहाँ पे इवन आप अपने वॉच को रीसेट या फिर रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ओके इसके अलावा यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर देखने को मिलेगा, तो ऑलमोस्ट 95% बैटरी आती है आउट ऑफ द बॉक्स। ब्राइटनेस भी आप सिंगल बटन से कर सकते हैं, आप इसको एयरप्लेन मोड पे डाल सकते हैं, और इवन जो वेकअप है जैसे कि आप देख सकते हैं अपने फ़ोन को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं बिना किसी इशू के, जस्ट बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट फीचर। और डू नॉट डिस्टर्ब मोड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी के साथ आता है। और लेफ्ट या राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको सेम फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी। ओके स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन्स या फिर आईफोन में देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेटअप्स की, तो आपको अपने फ़ोन में सेटअप करना पड़ेगा इस वॉच को बिफोर यूजिंग इट। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जाएंगे आप ऑटो सिंक ऑन कर सकते हैं, गूगल फिट से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी गूगल फिट ऐप यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर दे रखा है जिसको मैं करने वाला हूँ, और आप उसको ऑटो ट्रैक पे भी लगा सकते हैं, तो ये आपके हार्ट रेट को बड़ी आसानी से यहाँ पे रीड करने वाला है, और आफ्टर एवरी 5 मिनट ये ट्रैक करेगा। आप चाहते हैं तो टाइमर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, आई थिंक 15 मिनट वुड बी इनफ फॉर मी, तो हर 15 मिनट में ये मेरा एक बार हार्ट रेट रीडिंग लेगा। और लोअर और हाई भी हार्ट रेट सेट कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेट डेटा चाहिए तो आपको ऑटो स्लीप को ऑन करना पड़ेगा। बेड टाइम आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस टाइम जाते हैं बेड पे, थोड़ी देर अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा देर बैठ रहे हैं तो इस मोड पे जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बताएगा आपको कि अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा बैठ रहे हैं तो आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, तो इसको आप सेट कर लीजिए। डेडिकेटेड रिमाइंडर भी दे रखा है, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमाइंडर सेव कर लेते हैं और वॉच के थ्रू आप उनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा हैंड वॉश रिमाइंडर भी दे रखा है जो काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटी है, तो डेफिनेटली आप हैंड को वॉश कर सकते हैं, तो चांसेस हैं कि जो कोरोना वायरस है वो आपके हाथ में कम रहेगा। आपको 3 फ्रिक्वेंसी टाइमर देखने को मिलेंगे, 45, 60 और 120 मिनट, और ड्यूरेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको हर 2 घंटे में रिमाइंड करेगा कि आपको हैंड वॉश करना है 20 सेकंड के लिए। इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे ऑन, क्योंकि काफ़ी अच्छा फीचर है। नोटिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस आपको बताएगा, जैसे कि आपका इनकमिंग कॉल है, मिस्ड है, एसएमएस कॉल है या फिर सोशल मीडिया है, वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं जिस चीज़ की अभी नोटिफिकेशन आपको चाहिए। डिस्प्ले पे आप डिफरेंट चीज़ों को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वर्कआउट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा गोल्स की बात करें, आप गोल्स सेट कर सकते हैं एंड आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपने अपने गोल रीच किए या फिर नहीं। और साथ ही साथ में यहाँ पे वेदर का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में चाहिए। और ऑटो ट्रैक ऑन रहेगा, तो जब भी आपके फ़ोन के ऐप से कनेक्ट रहेगा ये आपको दिखा देगा। फीडबैक आप जो भी देना चाहते हैं वो फीडबैक दे सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, और वारंटी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, और लॉग आउट चाहें तो कर सकते हैं। ओके
तो मैं इसको करने वाला कुछ एक्टिविटीज़ को ट्रैक और देखूंगा कि कितना ये एक्यूरेट होने वाला है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आई थिंक जो वॉच का स्ट्रैप मटेरियल है वो आई थिंक सिलिकन से बना हुआ है। और यहाँ पे हार्ट रेट टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं हार्ट रेट। सेम थिंग आई विल डू विथ माई फ़ोन, क्योंकि मेरे में एक फ़ोन में ऑलरेडी एक हार्ट रेट इंडिकेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हार्ट रेट शो कर रहा है वो राइट नाउ यहाँ पे 99 BPM शो कर रहा है। आई थिंक यू कैन सी इट, ओके 99 BPM शो कर रहा है। सो आई थिंक मेरा हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 और 8 BPM का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कॉल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आपकी वॉच में ये नोटिफाई करेगा। हालांकि आई डोंट नो कि यहाँ पे नंबर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ की जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ोन में नेम और नंबर दोनों शो कर रहा है, बट आई डोंट नो वाई दिस इज शोइंग नंबर ओनली। आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं बट किसी तरीके से फ़ोन को उठा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रोफोन देखने को नहीं मिलेगा इस वॉच में। मैसेज नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे शो कर रहा है नंबर से और हाय, आप आसानी से देख सकते हैं। और इवन अगर आप चाहते हैं तो आप रिप्लाई बैक भी कर सकते हैं कुछ प्रीसेट के साथ, जैसे व्हाट्सअप, लेट मी गो आउट, कैन आई कॉल यू लेटर एंड ऑल। और ये डेफिनेटली आपके फ़ोन के थ्रू इन प्रीसेट्स को ऑलरेडी सेंड कर देगा। ओके, सो मैसेज हैज बीन सेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज सेंड हो गया है। तो ये फंक्शनलिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सेटिंग्स में भी आपको एडवांस सेटिंग्स देखने को मिलेगी, जिसमें आप लिफ्ट टू वेकअप को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, टाइम को 24 या 12 आवर्स सेट कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम आउट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, वॉच फेसेस आप चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। लेट मी ट्राई इट वंस। ओके, सो हियर वी गो एंड सेव, वो काफ़ी आसानी से चेंज हो गया है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन डिक्रीज द वॉल्यूम बट यू कैन नॉट इंक्रीज द मीडिया वॉल्यूम। ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि ये इसकी जो म्यूज़िक फंक्शनलिटी वो पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रही है, आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। एंड सेटिंग्स में भी मुझे ऑप्शन देखने को नहीं मिला, तो आई विल लुक इनटू इट कि क्या प्रॉब्लम होगी एंड विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। तो राइट नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं, ओनली सिंगल इशू मुझे इस वॉच में देखने को मिला वो ये है कि मैं अपने म्यूज़िक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ वॉच की मदद से। आई डोंट नो कि ये वॉच का इशू या फिर फ़ोन में जो सेटिंग्स है उसका इशू है, बट राइट नाउ इसके अलावा मुझे कोई भी और इशू देखने को नहीं मिला। अगर आपको डिटेल इसका रिव्यू चाहिए और हाउ इट्स गोना परफॉर्म आफ्टर 2 or 3 days, तो डेफिनेटली मैं इसको टेस्ट करूँगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा कि ये वॉच कितनी रिलायबल है, कितनी हेल्पफुल है और वेदर यू नीड टू परचेज दिस वॉच और नॉट। साथ ही साथ मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ रियलमी वॉच के साथ, देखेंगे कौन सी वॉच है बेटर। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाइएगा, और आप इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूर सब्सक्राइब करिए टेक बाइंडर्स को और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए।